जय हिंद दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में पैन कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पैन कार्ड बन चुका है तो आपको जानना ज़रूरी है कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज अर्थात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की घोषणा किया था, जिसमें उन्होंने 30 मार्च को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का लास्ट डेट रखा था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस डेट को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया है। तो मैं आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट से दिखाऊंगा कि लास्ट डेट क्या है और अगर लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा या नहीं। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। मैं हूं श्याम सुंदर, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक SSRA में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दिखा दूं आपको जो मेरे पास ICICI बैंक से जो मैसेज आया है अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का। अगर आपका भी खाता ICICI बैंक में होगा तो आपके पास भी मैसेज आया होगा। चलिए मैं अपने आपको मतलब कि मैसेज दिखाता हूँ। मैं अपना मैसेज बॉक्स खोलता हूँ। देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो मैसेज आया है लिखा है कि TMICICIB यानी ICICI बैंक से आया है। इस मैसेज को मैं ओपन करता हूँ, इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। लिखा है कि डियर कस्टमर, एज पर सेक्शन 139AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इट इज़ मैंडेटरी टू लिंक योर परमानेंट अकाउंट नंबर विथ योर आधार बाई 31 मार्च 2021। यानी आपको अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से 31 मार्च 2021 तक लिंक कर लेना है। अगर लिंक नहीं करते हैं तो लिखा है कि इफ़ नॉट लिंक बाय 31 मार्च 2021 द पैन प्रोवाइडेड बाय यू विल बिकम इन ऑपरेटिव। यानी आपका पैन कार्ड इन ऑपरेटिव हो सकता है, मतलब किसी काम का नहीं हो सकता है, ऐसा इन्होंने मैसेज में लिखा है। इसके बाद उन्होंने नीचे एक लिंक भी दिया है कि इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। और इस देखिए मैं आपको दिखा दूं क्या लिखा है कि TDS रेट ऑन इंटरेस्ट अर्नड माइट आल्सो इम्पैक्ट सर्टन बैंक ट्रांजेक्शन। यानी कि आपके जैसे कि आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं अपना आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ वेबसाइट से कि पैन कार्ड वो आधार कार्ड लिंक्स के लिए कौन सा एक्ट बना है और उस एक्ट में क्या लिखा गया है कि आपको लिंक करना होगा या नहीं लिंक करना होगा। अभी मैं वीडियो में बताऊंगा कि जो लास्ट डेट मतलब बढ़ाया गया वो कितना डेट है। तो लिखा है सिनॉप्सिस, एज पर सेक्शन 139AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एवरी इंडिविजुअल हु हैज़ बीन अलर्टेड ए पैन एज ऑन July 1, 2017 एंड एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर हैज़ टू लिंक हर पैन विद आधार बिफोर द एक्सपायरी डेट ऑफ नोटिफाइड ड्यू डेट। यानी कि बताए गए समय से पहले आपको अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर लेना है। ये देखिए पुराना न्यूज है, इसमें लिखा है कि March 31, 2021 से पहले आपको अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर लेना है, लेकिन इस डेट को बढ़ा दिया गया है। वो कौन सा डेट है अभी मैं आपको डायरेक्ट आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या क्या लिखा गया है, इसके बारे में कोई लिंक करना होगा या नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं सर्च करता हूँ, पहले तो ऐसे पैन कार्ड बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब कि बहुत सारे वेबसाइट से बनते हैं पैन कार्ड। तो मैं अलग अलग वेबसाइट सबको दिखाता हूँ कि हर वेबसाइट पे आपको दिखाया गया है या नहीं। तो पहला है तो पैन कार्ड NSDL से। तो देखिए मैंने यहाँ पर पैन कार्ड डाउनलोड NSDL पे क्लिक किया तो वहाँ से दिखाएंगे अभी कि जल्दी आपसे मतलब कि आपको न्यूज खुल जाए, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट ये सर्च कर रहा हूँ। सर्च करने बाद सबसे नीचे जब आया जब यहाँ पर लिखा था, देखिए नीचे लिखा है कि नोट इफ यू हैव नॉट लिंक योर आधार विथ पैन देन यू आर रिक्वेस्टेड टू लिंक योर आधार विथ पैन ऑन बिफोर June 30, 2021। यानी कि अपडेट जो है लास्ट डेट है वो है 30 जून 2021 से पहले आपको अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर लेना होगा। यानी कि लास्ट डेट अब रखा गया है वो है 30 जून। चलिए मैं आपको एक और वेबसाइट से दिखाता हूँ, वहाँ से भी आप पैन कार्ड बनता होगा आपका, आप सब पैन कार्ड बनाते हैं, दो तीन वेबसाइट जिससे पैन कार्ड आपका अच्छा वाला पैन कार्ड जो बनता है आपका मतलब सबसे ज़्यादा बनता है उससे। तो यह एक है UTI पैन कार्ड, तो वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं UTI पैन कार्ड वेबसाइट देखिए मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर क्या लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो ये यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर लिखा है COVID-19 पैनडेमिक देर में डिले टू, अभी यहाँ पर लिखा रहेगा देखिए आ रहा है कि UTI पोर्टल मतलब कि यहाँ लिखा है कि नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CBDT
एक्सटेंड द लास्ट डेट फॉर पैन आधार लिंकिंग 30 जून 2021, यानी कि जो लास्ट डेट अब हो गया है वो है 30 जून 2021 तक आपको अपना पैन कार्ड लिंक करा लेना होगा। देखिए ये लिखा है UTI वेबसाइट पे, अब मैं आपको नीचे पे दिखाता हूँ, यहाँ पर नीचे भी इसने न्यू में लिखा गया कि ये नया सूचना है, इसमें लिखा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज एक्सटेंड द लास्ट डेट फॉर पैन आधार लिंकिंग टू 30 जून 2021। ये न्यूज़ बिल्कुल नया है, आपको लिंक कर लेना ज़रूरी है, अगर आप नहीं लिंक करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप लिंक, कोई मतलब कि बहुत कठिन काम नहीं है लिंक करना, उसका मैं वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, मैं वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से कैसे लिंक करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट इनकम टैक्स वेबसाइट से ही, तो मैं लिखता हूँ ई फिलिंग, वो डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, तो मैंने ई फिलिंग सर्च ऐसे किया, देखिए मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर लिखा है कि लास्ट डेट फॉर लिंकिंग पैन विद आधार 30 जून 2021, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर भी लिखा है कि आपको अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से 30 जून 2021 से पहले लिंक कर लेना होगा। अब लिंक कैसे करना है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप देखिए और अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए। देखिए ये न्यूज़ कब, ये जो डेट बढ़ा है यानी डेट जो बढ़ाया गया है एक्सटेंड किया गया है वो न्यूज़ कब आया है, देखिए ये आया है 1/4/2021 के, ये न्यूज़ 1 अप्रैल 2021 को आया है कि लास्ट डेट टू लिंक पैन विथ आधार इज 30 जून 2021, यानी कि 30 जून 2021 लास्ट डेट है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का। तो थोड़ा सा समझदार बनिए, अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक बिल्कुल कीजिए, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बार बार आपसे बता रहा है लेकिन आप सब लिंक नहीं कर रहे, इसलिए उसने डेट बढ़ा दिया है। तो अब तो आपको लिंक कर लेना ज़रूरी है, अगर नहीं लिंक करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हो भी सकती है प्रॉब्लम। तो अगर आपका पैन कार्ड अभी नहीं बना है तो इस वीडियो के लिंक में मैं पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, आप अपने आधार कार्ड से या आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट भेज कर भी बना सकते हैं या बिना डॉक्यूमेंट भेजे आप अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। और आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड कैसे लिंक करना है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए। दो तरीके होते हैं लिंक करने का, मैंने दोनों तरीका दे दिया है उस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।